कहीं कहीं पुल बन रहे हैं, कुछ बन रहा है, तो इसकी जरूरी काम में आता है ना, बस वही चल रहा है। बताऊं इतना बढ़िया आ रहा है, बस आप दिख रही है, बाकी पूरा बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है। कुछ सुनाई आ रही है चाऊ चाऊ की? हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? वेलकम है आप सभी का मनुश्री ब्लॉग्स पर। पूछना तो बनता ही है कि आप सभी कैसे हैं। 2 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सभी अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। और क्या कहा जा सकता है, कहने के लिए तो न्यूज़ चैनल बहुत कुछ कह रहे हैं, अब हम ही और क्या कहें। हम तो सिर्फ अपना ध्यान रख सकते हैं, बाकी न्यूज़ देखकर डर भी लग रहा है। और रिलेटिव भी सभी ज़्यादातर बीमार हैं, वो इसलिए कि सभी को, किसी को जुकाम खांसी है, किसी को बुखार है, जहाँ कहीं भी बात हो रही है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो सभी यही बात बता रहे हैं कि हमें, हमारे यहाँ भी बुखार बहुत चल रहा है, हमारे यहाँ भी जुकाम खांसी और बुखार काफ़ी चल रहा है। तो सभी स्वस्थ रहिए प्लीज़, सभी अपना अपना ध्यान रखिए और जो भी बचाव है वो कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना बचाव कीजिए। और जो बीमार हैं वो दवाइयाँ लेते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। सुबह की धूप में टहलिए और क्या कहा जा सकता है, हेल्दी हेल्दी खाना खाइए। हम भी अपना ध्यान रख रहे हैं, हम भी स्वस्थ रहने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। और बिल्कुल भी मेंटली स्ट्रेस मत लीजिए, दिमाग पर बिल्कुल भी लोड मत लीजिए, कि यदि ये बीमारी हो भी जाती है तो बिल्कुल भी मेंटली स्ट्रेस मत लीजिए। हो गई तो हो गई, नो प्रॉब्लम, इससे भी बहुत बुरी बुरी बीमारियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। ये तो एक तरह का वायरस ही तो है, आया है चला जाएगा, नो प्रॉब्लम। और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, अब जहाँ तक हमारी एज आ जाती है यहाँ तक तो बहुत सारी बीमारियाँ हम लोग झेल चुके होते हैं, बहुत सारी खतरनाक चीज़ें झेल चुके होते हैं, तो ये फिर ये वायरस कितनी बड़ी चीज़ है। इसलिए प्लीज़ ये वाला स्ट्रेस मत लीजिए, हम नहीं ले रहे हैं, हम आपके लिए हंसी खुशी की वीडियो ला रहे हैं, हंसते हंसते वीडियो ला रहे हैं। प्लीज़ मनुष्य ब्लॉग्स देखिए, चिड़िया भी बेचारी कितनी खुश है, है ना। तो आप भी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, बस जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके खुश रहने की कोशिश कीजिए। और मेरे साथ आप भी टहल लीजिए, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, रूम में ही बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो फिर हमारे साथ साथ आप भी टहल लीजिए। मैं जा रही हूँ छत पर टहलने के लिए, बच्चे अभी सोए हुए हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ टहल लीजिए। थोड़ा सा वजन मेरा बढ़ने लगा है, थोड़ा सा डोले शोले बनने लगे हैं, तो सबसे अच्छा है कि हम टहल लें। सुबह की चाय जब कभी भी मुझे बनानी होती है, दोपहर में भी बनानी होती है, शाम में भी बनानी होती है, तो मैं तुलसी के पत्तों का बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहती हूँ। अगर उसमें कोई और चीज़ ना डालें, मसाले और वगैरह ना डालें, लेकिन उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालने चाहिए। अगर पानी उबाल के पीने का अगर किसी को हो तो वो पानी भी ज़रूर पिए, क्योंकि हम, मुझसे पानी थोड़ा सा अजीब लगता है पीने में, नहीं तो पानी भी उबाल कर, तुलसी में पानी उबाल कर ज़रूर पीना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा है इस समय पीने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तुलसी से अच्छी और कोई भी औषधि नहीं हो सकती है, यह आज ही हमारे लिए यूज़ नहीं होती है, ये बरसों से, सालों से, सदियों से यूज़ होती चली आ रही है। और तुलसी को तो एक विशेष औषधि के रूप में इस समय माना जा रहा है, काढ़ा बनाकर पिया जा रहा है, काढ़े में और भी काली मिर्च है, लौंग है, ये सब उबाल कर भी पी रहे हैं,
सभी लोग अपनी इम्यूनिटी के लिए, लेकिन चाय में तो डाल के आप तुलसी यूज़ कर ही सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी औषधि है और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। इस समय ये पक गई है, ऊपर से इसमें जो बीज हैं वो आ गए हैं, ये बीज बिखर जाएंगे, इसलिए मैंने दो चार बीज भी इसके तोड़ लिए हैं, मतलब ऊपर से दो चार पत्तियाँ तोड़ ली हैं जिसमें बीज आ गए हैं, वो भी मैं चाय में ही इस्तेमाल करने वाली हूँ और दूध में भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। बच्चों को भी दूध में चाय ये इसके तुलसी के पत्ते डालकर ज़रूर देती हूँ। और ये मेरी चाय हो गई है तैयार, इसमें मैंने तुलसी के पत्ते डाले ही हैं और काली मिर्च डाली है थोड़ी सी और थोड़ा सा डाला है अदरक। सुबह की गर्मा गर्म चाय हो और उसमें ये औषधि बना ली जाए, ये चाय नहीं रह जाती है फिर, ये काढ़ा ही बन जाता है ये, और आप सबके लिए भी तैयार है। जल्दी कीजिएगा आप भी, यदि तुलसी नहीं है तो कहीं से भी अरेंज कीजिएगा। इस समय तो पक गई है, थोड़े दिनों बाद नए पौधे आ जाएंगे तुलसी के, अभी नए पौधे नहीं आ रहे हैं, जो पुराने पौधे हैं उन्हीं के ऊपर बीज आ रहे हैं, अब वो बीज जब जमेंगे दोबारा से तभी नए पौधे उगने वाले हैं। और आप अपने घर में तुलसी का पौधा हमेशा हमेशा रखें और ज़रूर ज़रूर रखें, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ज़रूर रखें, और हमेशा ही हमारे आंगन में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। इस समय एक चीज़ और अच्छी आ रही है, इस समय आ रहे हैं खजूर, और दूध के साथ या फिर चाय के साथ मैं ज़रूर लेती हूँ। तीन चार खजूर तो मुझे लेनी है, ये पैकेट पूरा भरा हुआ था और मैंने खाली कर दिया है, सभी बड़े शौक से खा रहे हैं और बहुत ही अच्छी खजूर आ रही हैं। इसमें पैकेट में बहुत अच्छी साफ़ सुथरी आती है, एक बार डब्बे वाली भी आई थी लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी, पता नहीं कैसी गली गली सी निकलती हैं उसमें से। इसमें बहुत अच्छी खजूर निकली है और बहुत टेस्टी लगती हैं। तीन चार खजूर दूध के साथ या फिर चाय के साथ ज़रूर ही इस समय लेनी चाहिए। इस समय उनके दिन चल रहे हैं ना, रमज़ान वाले जो दिन जो चल रहे हैं, वो लोग खजूर खा कर ही अपना रमज़ान तोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हमारे रमज़ान नहीं है तो हम खजूर नहीं खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी टेस्टी खजूर आ रहे हैं इस समय पर, ताज़े खजूर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे। इस पैकेट में तो बहुत ही अच्छे खजूर निकले हैं, डब्बे में उतने अच्छे नहीं निकलते हैं, खुले उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, इसमें एकदम साफ़ सुथरे और बहुत ही अच्छे खजूर निकले हैं, जो मैं चाय के साथ या फिर दूध के साथ बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि ये एक तरह से ना एनर्जिक सा लगता है कि हाँ एनर्जी फील होती है बॉडी में इसको खाने से। हेलो गाइस, मेहंदी लगा लो, मुझे लगाने नहीं आती, सुन तो मनु इतनी खो गई है उसमें, कौन सा सीरियल है वो, कौन सा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सब कुछ कहती रहे टप्पू के पापा, टप्पू के पापा प्लीज ये कर दो। अब वीडियो को बना रही हूँ मैं, काला आ रहा है। अच्छा तो काला तो तू है ही वीडियो में आ रहा है, जो गोरा होगा वो गोरा आएगा, जो मैं गोरी हूँ फिर भी मैं धूप में जा जा के काली हो गई जी। और चुटिया दिखाओ अपनी, ये सिंग दिखाओ, सिंग अपने आज मनु के सिंग देखो, कला सा बन नहीं पाए था आज ऐसा बना है जी। और मनु की एक मैचिंग देखो आप, रेड नेल पेंट लगाई हुई है, रेड पजामे। चलो अब वीडियो वीडियो शुरू कर दो जी, देखो मनुश्री मनुश्री वीडियो की शुरुआत करो। चलो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मनुश्री व्लॉग्स पर। और आज देखो मेरी चीजें कैसी बनी है, देख लो ना प्लीज, लाइक कर दो ना देखकर प्लीज, शेयर कर दो ना प्लीज। कर दिया है प्लीज टप्पू के पापा, वरना बाद में भूल जाते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद में भूल जाते हो, इसलिए पहले ही कर दो प्लीज, प्लीज टप्पू के पापा। इतनी खो गई है ये इसमें, हर समय यही कहती रहती है। और मनु ये कह रही है कि प्रखर भैया सबके हाथों पे मेहंदी लगाता, अपनी बहन के हाथ पे मेरा भाई नहीं लगा रहा मेरे हाथ पे मेहंदी। आपने तो मिस्टी को देख रखा होगा, मिस्टी को कौन लगाता उसके हाथ पे, उसका भाई लगाता, पर मेरा भाई मेरे हाथ पे आज तक नहीं लगाई, इसने मेरे हाथ पे मेहंदी, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा, चुन्नू से भी मेहंदी मेरे हाथ पे आज थी इसकी, ये कौन टूटेगा, नहीं रिकॉर्ड टूटेगा, जल्दी लगा दे मेहंदी उसके हाथ पे, कौन टूट गया अभी लगाएगा, अभी लगाएगा प्लेय तब्बू के पापा। देखना
आर्यन खा रहा है कड़ी और उड़द, कड़ी और उड़द एक साथ खाने से नहीं चलानी है मोटर। कड़ी कड़ी और उड़द एक साथ कब खाए जाते हैं? मंडे की दावत में और हाथटा हाथटा मंडे में और उसमें छठी में और इसके साथ चावल और होने चाहिए, लेकिन ये रोटी के साथ खा रहा है। अभी डराती हूँ आपको, रुको। आप कहाँ से डराओगी? आप हाथी से। अभी रुको, हाथी से, हाथी से डराएगी, हाथी से। खाली प्लेट का बना लो वीडियो। तो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? हम आए हुए हैं एक हॉन्टेड व्लॉग बनाने अपनी छत पर। अपनी छत पे आए हुए हैं हम हॉन्टेड। चांद की बड़ी अच्छी रोशनी हो रही, चांद दिखा, चांद ये कितनी सुंदर लग रहा है, चांद देख लो भाई। सभी रास्ते बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं। ओए कितना जूम हो रहा है हॉस्पिटल। एक बंदा जा रहा है बस रोड पे, वो भी घर है उसका, उसका घर है, वो जा रहा है इसलिए, और वो घर वाला भी हमारी वीडियो देखता है। उसके घर अभी गए थे हम कल परसों ही, बता नहीं सकते हम, पर ये घर वाले जो है ना, ओ नहीं बताना चाहिए, बहुत सारे लोग यहीं से तो देखते हैं हमारी वीडियो। कुछ कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, जूम कर करके दिखाओ सबको। चांद देखो, चांद एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, उसमें देखूं मैं तेरे साथ में, बहुत वायरल हो रही है वो। ऐसे जूम कर देता पूरा दिख जाता उसके आगे सैटेलाइट घूमती हुई सब। ले तो हमारे भी दिखाई दे रहा है, कहाँ देख रहे दे रहा है, ले उसका 100x जूम हो जाता है। ये लॉकडाउन का असर है रोडों पर, ये क्या आया। और घर भी देख लो, कोई भी नहीं है, बस वो गाड़ी राउंड मार रही है, पुलिस पुलिस राउंड मार रही है, पुलिस बहन है, बड़ी हल्के हल्के चल रही हैं। हम दिखेंगे नहीं वैसे, हम छत पे हैं। रोकी क्या गए, कुछ सुनाई आ रही है चौं चौं की। अभी ट्रैफिक गया थोड़ा सा तो हॉर्न बजाया उन्होंने, चूं चूं चूं।